शेख शाहजहां। दरअसल यही नाम है उस नेता का जिसकी छवि पूरे इलाके में भाई वाली। दीदी की पार्टी के इसी भाई ने बंगाल की सियासत को सुलगा के रख दिया है। फिलहाल शेख शाहजहां अंडरग्राउंड है और ग्राउंड पर उसी के नाम पर सियासत तेज है। बंगाल की सियासत के इस बवाली चेहरे की पूरी कुंडली इस रिपोर्ट में आज पूरा देश देखेगा। ये तस्वीरें 5 जनवरी की। उस दिन ईडी की टीम घोटाले की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गई थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया, अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ दी, सर फोड़ डाले। इस बवाल के पीछे जिस चेहरे का नाम सामने आया उसका नाम था शेख शाहजहां। इस शेख शाहजहां के बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। पहले ये जानिए कि 5 जनवरी को क्या हुआ जिसने संदेश खाली की सियासी तस्वीर बदल दी। ईडी की टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ संदेश खाली में शेख शाहजहां के ठिकानों पर राशन घोटाले के सिलसिले में छापेमारी के लिए गई थी। ईडी की टीम पर हमला हुआ और फिर इलाके में रसूख रखने वाला टीएमसी का नेता शेख शाहजहां इसके बाद से अंडरग्राउंड हो गया। 5 जनवरी की घटना के बाद संदेश खाली की सियासत में शेख शाहजहां के खिलाफ महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। ये तस्वीरें 7 फरवरी की है। उस दिन महिलाओं के एक बड़े समूह ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और शेख शाहजहां के साथ ही उससे जुड़े लोगों के पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। फिर दर्जनों महिलाएं हिम्मत करके सामने आई और टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर आरोपों की बौछार कर दी। आरोप जमीन पर कब्जे से लेकर उत्पीड़न तक के लगे। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। माना जा रहा है शेख शाहजहां की गैर मौजूदगी में महिलाओं को हिम्मत मिली, इसी वजह से उन्होंने कैमरे पर आकर उसका काला चिट्ठा खोलना शुरू किया। शेख शाहजहां संदेश खाली एक ब्लॉक में टीएमसी का अध्यक्ष है। शेख शाहजहां इलाके से जिला परिषद का सदस्य है, जिला परिषद में मत्स्य कर्माध्यक्ष है, यानी जिले में मछली पालन का प्रभारी। लेफ्ट से राजनीति की शुरुआत की, 2016 में टीएमसी में शामिल हुआ। इलाके के मुस्लिम वोटर्स पर शेख शाहजहां की मजबूत पकड़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से नुसरत जहां को उम्मीदवार बनाया तब शेख शाहजहां ने उसकी जीत में अहम रोल निभाया। 42 साल के शेख शाहजहां को इलाके में भाई के नाम से जाना जाता है। 4 भाई बहनों में शेख सबसे बड़ा है। मछली पालन और ईंट भट्टे के मजदूर के तौर पर अपना काम शेख ने शुरू किया। धीरे धीरे ईंट भट्टे की यूनियन का नेता बन गया। 2011 जब लेफ्ट की सत्ता प्रदेश में कमजोर हुई तब शेख टीएमसी के एक स्थानीय नेता के संपर्क में आया और फिर वहीं से प्रदेश की सत्ता के करीब पहुंच गया। आरोप है सत्ता के संरक्षण में शेख ने इलाके की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, मजदूरों और महिलाओं का शोषण किया। आरोप राशन घोटाले के भी हैं। अब लोकसभा चुनाव से पहले शेख शाहजहां पर लगे आरोपों को लेकर बंगाल की सियासत गर्म है और शेख शाहजहां अंडरग्राउंड है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।